एक चीज मेरा मतलब आई एम वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग कि आफ्टर विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, आई थिंक श्रेयस अय्यर इज द बेस्ट बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट राइट नाउ. मतलब उसमें जिस तरह से इस बंदे ने डेवलप किया है ना इन द लास्ट 2 ईयर्स, दैट हैज़ बीन, आपको नजर आता है उसकी बैटिंग के अंदर. इंडिया वन वेरी कंफर्टेबली टुडे, 17 बॉल्स टू स्पेयर, ऑल दो मतलब 184 चेस कर रहे थे, लेकिन 7 विकेटों से जीते, 17 बॉल पहले जीते, और सिर्फ इसलिए क्योंकि श्रीस अय्यर प्लेड अ वेरी गुड एंकर इनिंग्स. नॉट ओनली एंकर इनिंग्स, बट ही केप्ट द मोमेंटम ऑल्सो, ही क्रिएटेड द मोमेंटम, और उसने मोमेंटम को जारी रखा. और उसके मोमेंटम क्रिएट करने से क्या हुआ कि संजू सैमसन, जो शुरू में स्ट्रगल कर रहा था बुरी तरह से, उसने बाद में जो है मतलब एक ओवर में लाहिरू कुमारा को 3 छक्का. बट जादू दोस्त ओवर सेइंग के जनाब जडेजा जो है माजरत है, जडेजा जो है ये है, तो भाई जान दिस इज जडेजा फॉर यू. जडेजा ने आज दिखाया एक मर्तबा फिर कि व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग नोबडी, आई वांट टू से नोबडी, कोई उसके करीब भी नहीं आ सकता, दूर दूर तो दूर की बात है, कोई बंदा नहीं आ सकता. मजा आया जिस तरह आज प्रोफेशनल क्लिनिकल चेज हुआ, यही एक्सपेक्ट था कि इंडिया की टीम जो है इसको चेज करेगी. अगर रन बनवाए हैं ठीक है, बुमराह भी था, अपनेश्वर कुमार भी था, अपना युजवेंद्र चहल भी था, हर्षल पटेल भी था, जडेजा भी था, ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ आपकी बॉलिंग लाइन थी, सारी बातें जायज है. लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह इन्होंने बैटिंग की आज, जिस तरह इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, स्पेशली जब आपका कप्तान बिल्कुल पहले ओवर में सिर्फ 1 रन बना के आउट हो जाए, उसके बाद इतना आगे तक लेके जाना, 183 जैसा पहाड़ अबूर करना, और जनाब ये कोई मजाक नहीं था. तमाम श्रीलंकन बॉलर्स को तकरीबन कुटास चढ़ाई है, कोई बॉलर नहीं इनके हाथ से बचा. आज बस थोड़ा सा देखें, बहुत ज्यादा मसला है नर का थोड़ा सा. रविंद्र जडेजा ने दोनों की बहुत ही बढ़िया बैटिंग, और श्रेयस अय्यर की फॉर्म अच्छी लगी हुई, पिछले मैच में भी रन्स किए, आज भी रन्स किए, सीधे सीधे छक्के मारते हैं, इवन शॉर्ट बॉल को भी उसने सीधा टारगेट किया, छक्के मारे, और वहां पर श्रीलंकन बॉलर्स जो है काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आए. प्रवीण जयविक्रम जो अपना टेस्ट क्रिकेट के अंदर डेब्यू के अंदर 11 विकेटें लेने में कामयाब हुए थे, उनको भी आज जो है काफ़ी मुश्किलात हुई जब ये दो दिग्गज बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, श्रेयस अय्यर और जो है संजू सैमसन. उसके बाद जडेजा ने आके जो है सुपर इनिंग्स खेली है, 45 नॉट आउट की ऑफ जस्ट 17-18 बॉल्स. दे गॉट द फ्रीडम टू प्ले द शॉट्स बिकॉज श्रीस अय्यर वॉज प्लेइंग सो वेल. और श्रीस अय्यर आई टेल यू, पहले मैच में भी उसने बहुत शानदार बैटिंग की थी, वहाँ भी उसने हाफ सेंचुरी की, आज भी उसने कोई 70 रन किए, नॉट आउट रहा, और उसे 2 50-50 की जो पार्टनरशिप्स की है सैमसन के साथ और कैसे बोलते हैं जडेजा के साथ, दे जस्ट शो द फैक्ट दैट ही इज टर्न इन टू अ वेरी क्वालिटी बैट्समैन. और ना सिर्फ एक क्वालिटी बैट्समैन है, आपको उसके अंदर एक वो लीडरशिप क्वालिटी भी नजर आती है. ही रीड्स द गेम सिचुएशन वेरी, उसको पता है गेम के बारे में, वो गेम सिचुएशन बहुत अच्छा पढ़ता है, और उस हिसाब से अपनी इनिंग्स को फिर वो लेके चलता है. मतलब एक स्टेज पे आके शुरू में इंडिया स्ट्रगल टुडे व्हेन दे स्टार्टेड द चेस, आज मतलब रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गया, इनसाइड एज पे बोल्ड कर दिया उसको जमीरा ने, उसके दुश्मन टन ने, उसके बाद फिर ईशान किशन बुरी तरह स्ट्रगल करता रहा. खास जो आज इंडिया की तारीख में घर में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाला कप्तान रोहित शर्मा बने हैं, और 11वीं कंसेक्यूटिव विक्ट्री जो है वो भी इंडिया के रियली वन कंफर्टेबली टुडे, एंड द 11 सक्सेसिव विन T20 इंटरनेशनल्स, और ये 7वीं सीरीज उन्होंने जीती है एट होम, एंड दे आर रियली डूइंग वेल अगेंस्ट रोहित शर्मा. रोहित शर्मा मतलब यार बड़ा चिल कप्तान है भाई, साफ सीधी बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रेशर नहीं डालता प्लेयर्स के ऊपर बिल्कुल भी. और लुक एट हिज रिकॉर्ड, आई मीन टुडे ही वन इज 23rd T20 मैच, आई थिंक 28 T20 मैचेस दैट ही हैज कैप्टन, अराउंड 85% का सक्सेस रेट है, दैट्स अ ऑसम सक्सेस रेट यार. मतलब आप 24 मैचेस जीत रहे हैं अपने,
तो दैट मीन्स यू आर रियली डूइंग वेल एज अ कैप्टन. साफ सीधी बात है, यू आर डूइंग रियली वेल एज अ कैप्टन. सॉरी 23 मैचेस, तो ही इज रियली डूइंग वेल. एंड आई थिंक ये जो मूव था रोहित को वाइट बॉल कप्तान बनाने का इज गोइंग टू पे ऑफ इन द लॉन्ग रन. जब वर्ल्ड कप आएगा, एशिया कप आएगा नेक्स्ट ईयर, जब 50 को वर्ल्ड कप होगा, दिस मूव विल प्ले ऑफ पे ऑफ, बिकॉज आई थिंक ही फॉर वाइट बॉल क्रिकेट ही सीम्स टू बी अ बेटर सूटेड. रोहित शर्मा जो है आज सबसे सीनियर प्लेयर, कप्तान, सब कुछ वही थे, लेकिन कमाल ही हो गया कि सिर्फ एक ही रन पे उनके डंडे उड़ा दिए. बट और फिर ईशान किशन ने भी उन्हें फॉलो किया. बट हैट्स ऑफ टू सुरेश अय्यर, व्हाट अ टैलेंट ही इज शोइंग. दोज हु आर सेइंग इंक्लूडिंग भोसिन अली कि जनाब अभी इसका रियल टेस्ट सैनक इंडीज में होगा, वो तो जब होगा तब होगा. आज जो इसने मार दिखाई है, जो टुनास चढ़ाई है, और ऑलमोस्ट 3 ओवर पहले 183 रन का पहाड़ जैसा टारगेट, जिस टीम में ना राहुल है, जिस टीम में ना कोहली है, जिस टीम में स्काई भी नहीं है, और जिस टीम का कप्तान जो रोहित द हिटमैन शर्मा, जब भी वो 50 करता है इंडिया मैच नहीं आती T20 का. लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हुआ जनाब कि सिर्फ एक रन बना के वो आउट हुए. थोड़ी देर बाद ईशान किशन ने कहा पिछले मैच में मैंने 89 किया, तो मैं अब क्या करूं, मैं भी चलता हूं. लेकिन कमाल कर दिया यार इस अय्यर ने, कमाल कर दिया संजू सैमसन ने. ये नहीं देखे उसके 39 रन है ऑल्सो. लेकिन जडेजा ने तो भाई फिर उसके बाद आके जो फोड़ा है बुरी तरह से बॉलर्स को, अब कमाल था. खास करके उसने जो फिर 22 रन किए उसके ओवर में, दुश्मन तक के ओवर में, वो तो कमाल था यार. अनफॉर्चुनेटली वाइट बॉल में ही ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ सक्सेस, लेकिन वही इल्यूजिव जो चीज़ें हैं ना वो उसको नहीं मिली, विच वॉज द ICC टाइटल. बट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विन बाय इंडिया. आई थिंक दे ऑल्सो वन द 100 T20 मैच, जो कि अब दे आर द सेकंड कंट्री टू डू इट आफ्टर पाकिस्तान. सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ने अब 100 T20 मैचेस जीते हैं. एंड आई थिंक दे ऑल्सो इक्वल्ड पाकिस्तान्स रिकॉर्ड ऑफ हैविंग वन द मोस्ट मैचेस अगेंस्ट वन सिंगल कंट्री. पाकिस्तान का अगेंस्ट जिम्बाब्वे 16 था, तो आज श्रीलंका के खिलाफ इंडिया ने भी अपना 16वां मैच जीत लिया, यानी कि द मोस्ट अगेंस्ट एनी कंट्री. आई जस्ट फील के इंडिया, यू नो, विल सी अ बेटर सीरीज व्हेन साउथ अफ्रीका प्लेज इंडिया अ फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन. जब साउथ अफ्रीका इंडिया आएगा तो फिर वो सीरीज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आई मीन श्रीलंका और वेस्ट इंडीज तो साफ सीधी बात है, देवर जस्ट नॉट, देर नॉट एट द लेवल ऑफ इवन. मजे की बात ये, जब ये खेल रहे थे, एज अ क्रिकेटर एक्सपर्ट अगर मैं बात करूँ, टेक्निकली दोनों टेक्निकली बहुत ही क्लीन कर रहे थे, बहुत क्लीन हिटिंग कर रहे थे. श्रेयस अय्यर का बल्ला, उसका हाई हेड एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही सही तरीके से आ रही थी, बहुत अच्छे से क्लीन हिटिंग कर रहे थे इन द गैप्स वी के अंदर, डब्ल्यू के अंदर. और उसके बाद संजू सैमसन के जो एक्स्ट्रा कवर छक्के वो मारता है, उसकी क्या बात है. अनलकी रहे, बहुत ही एक अच्छा कैच ले लिया शॉर्ट थर्ड मैन पर, इतने अच्छे फील्डर है नहीं, लेकिन फर्नांडो ने उनका कैच लिया, लौरा कुमारा ने उनको आउट किया. लेकिन कैच वॉज वेरी गुड, 100 कैच था शॉर्ट थर्ड मैन पर, इट वॉज गोइंग एट अ स्पीड. विकेट की बात करें, धर्म उनका जो रिकॉर्ड है वो दिखाता है कि ही इज अ फैंटास्टिक कोच, और श्रीलंका को इस तरह का कोई कोच चाहिए जो अपनी टीम को बना सके. बट इंडिया और मतलब इंडिया को, इंडिया की टीम जो है श्रीलंका पे, पहले वेस्ट इंडीज पे और अभी इंडिया के ऊपर कोई रहम नहीं कर रही है. इन्होंने जस्ट किल किया. वेल प्लेड टीम इंडिया, वेल प्लेड रविंदर जडेजा, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, और या सो इट वॉज अ फैंटास्टिक डे ऑफ क्रिकेट. आई नो मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो में आपके साथ इंटरेक्ट करने के अंदर.